कमिश्नर के आदेश पर दो नामचीन अस्पताल एपेक्स और दर्पिन पर एफआईआर दर्ज। कोरोना काल में ज्यादा पैसे और मरीजों से बदसलूकी करने का आरोप। आयुष्मान कार्ड होने पर भी पैसे लेने का आरोप। दोनों अस्पतालों पर लगाए मरीजों के तीमामदारों ने गंभीर आरोप। तीमामदारों का आरोप था कि उनकी मरीजों की बॉडी ही बदल दी गई। तीमामदारों ने उच्च अधिकारियों से की थी इसकी शिकायत। दोषी पाए जाने पर हुई एफआईआर दर्ज। बरेली के एपेक्स और दर्पिन हॉस्पिटल का मामला। दो अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कोरोना काल में उन्होंने मरीजों के साथ में बदसलूकी की और जमकर वसूली भी की। अब किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अप्रैल के महीने में 19 तारीख को शीतल गुप्ता एक लड़की है, उसने अपने पिताजी को भर्ती कराया था दर्पण हॉस्पिटल में। तो वहाँ उसको जब जांच कराएगी तो उन लोगों ने ठीक से उससे व्यवहार नहीं करा, जांच नहीं ठीक से कराई और उसको रेफर कर दिया अपेक्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद उनकी डेड बॉडी बदल गई। और आरोपी शिकायतकर्ता का आरोप यह कि हमारी डेड बॉडी झाड़ियों में मिली, मेरे से पैसे ज़्यादा वसूले गए और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उनसे पैसे लिए गए। इसकी शिकायत माननीय आयुक्त मंडल को की गई, विधायक जी की गई, क्षेत्रीय विधायक जी को। उसकी जांच एसडीएम सदर ने की, उसमें उन्हें दोषी पाया। और इसके साथ ही हमने अपने स्तर से हमारे पूर्व चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने एक बोर्ड गठित करके इसकी जाँच कराई, जिसमें हमारे चार तीन एडिशनल सीएमओ।